हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही रोचक और बहुत ही खास। जी हाँ, ये है वोल्टेक्स का होम थिएटर सिस्टम, और ये खराब है। इसको हमने खोल रखा है और आपको हम बताते हैं इसमें क्या का फॉल्ट है। वो फॉल्ट तो ये है, पहला इसमें कि इसमें बेस स्पीकर काम नहीं कर रहा, अर्थात बेस नहीं आ रही। दूसरी जो फॉल्ट है, इसका जो लेफ्ट एंड राइट स्पीकर है वो सही काम नहीं कर रहा है। इसके लिए हमने इसको इस बार हमने पहले इसको बना दिया है, फिर आपको बताया। इसमें वीडियो लंबा हो गया है, बनकर तैयार है दोस्तों, और आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको बनाई गई है और क्या कहना होगा। पहला जिम वायर से जो चीज रही वो रही 503 नंबर टीसी, या इसकी स्पीड होती है, और 503 नंबर टीसी के नाम है। इसमें लेफ्ट एंड राइट जो है स्पीकर कंट्रोलर है काम करता है। दोनों जो छोटे स्पीकर हैं आप देख पा रहे होंगे, उससे काम करता है। ये फ्रंट पर लगा होता है, यहाँ पर यहाँ से हमने बदल दिया उसको। एक चीज तो ये चालू हो गई। दूसरी इसमें जो फॉल्ट रही दोस्तों, वो आपको हम बताते हैं। वो जो फॉल्ट रही दोस्तों, वो आईसी की रही। ये आप देख सकते हैं, तीन न्यू सोल्डरिंग किए गए हैं, ये तीनों न्यू आईसी लगी हुई है। तो दोस्तों ये रही तीनों 20-30 आईसी है, इसे नया लगा दिया गया, हाल की डैमेज रहा ये सब। और इसमें जो एक मेन जो चीज़ है फॉल्ट रही, जो 20-30 का ये जो बेस आईसी है, ये बेस आईसी अभी इसकी सब देख पा रहे होंगे, इसे लगाने के बाद भी बेस नहीं आ रहा था। तो दोस्तों इसके लिए जो जिम्मेवार होता है, जिस आईसी के बाद भी ये बेस कंट्रोलर, ये बेस का फैलू है, ये बेस कतार है, इसलिए जाएगा ये जो बेस है उसके बाद बात कर रहे हैं हम। हालांकि ये भी न्यू लगा हुआ है। आपको हम बता दें कि इसमें जो था ये एक आईसी है, इसे जो चेंज किया है, इस आईसी का नंबर है थोड़ा दिखाइएगा। तो दोस्तों ये वो आईसी है, इसका नंबर आप देख पा रहे होंगे, इसका नंबर है 4558 ऐसे है। इस आईसी को बदला गया है तब उसका बेस जो है आना शुरू हो गया है। अब आप जो टेस्टिंग दिखाते हैं ऐसे आप करा सकते हैं दोस्तों। ये सबसे तैयार है, लाइक को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।